good morning class fifth today we are going to start a new chapter second chapter which is fundamental operation and it's a first lecture of this chapter okay in this chapter we have discussed about fundamental operations like some difference product divide division okay in previous class we have already discussed about some difference product division okay we take a just quick recap of this These sums like sum हमें कुछ ये numbers given है ये number given है हमें ओके okay? हमें इसका sum कैसे करना है sum simple करते हैं हम या तो हम direct ऐसे लिखते या फिर हम ones tens hundred thousand टेन थाउजेंड लैक टेन लैक ओके अगर हम ऐसे प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग हम जो हमें नंबर गिवन है इन डिजिट्स को अगर हम प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो हमें और इजी रहेगा ओके जैसे अगर वंस पे हमें वंस वंस ये दोनों गिवन है तो हम वन बाय वन पुट करेंगे टेंस पे पुट करेंगे हंड्रेड पे पुट करेंगे ऐसे ही थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक एंड टेन लैक पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे ओके फिर वन बाय वन अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम्स हम इनको ऐड करते हुए जाएंगे इससे होगा हमारा बेनिफिट ये कि हमारा कोई नंबर भी नहीं छूटेगा और वन बाय वन हमारा इजिली एडिंग होती जाएगी ओके okay? देखो एट प्लस फाइव थर्टीन ओके थर्टीन का थ्री हमने लिखा वन कैरी हमारा ऊपर गया जो नेक्स्ट टेंस में हमारा काउंट होगा ओके सिक्स प्लस टू एट एक ऊपर है प्लस वन नाइन ओके फोर प्लस टू सिक्स फाइव प्लस थ्री एट थ्री प्लस टू फाइव फोर प्लस टू सिक्स यहां कुछ नहीं है तो जीरो लगा लो थ्री प्लस जीरो जीरो ऐसे हम ऐड कर देंगे ओके okay? ये बेटा हम जस्ट क्विक रिकैप ले रहे हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी फोर्थ क्लास में भी किया हुआ है ओके okay? डिफरेंस कैसे करेंगे हम डिफरेंस में भी वही सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज रख लेंगे उसके बाद हम वन बाय वन नंबर्स को इसके नीचे हम पुट करते जाएंगे ओके अकॉर्डिंग टू देर प्लेस वैल्यूज फर्स्टली वी पुट दिस नंबर सेवन सिक्स नाइन एट नाइन एट and then another number three four three nine eight nine okay हम डिफ्रेंट करना कहाँ से start करेंगे ones place value से and move टूअर्ड left side okay ये एट में से नाइन माइनस नहीं होगा तो हम यहां से एक कैरी ले लेते हैं नाइन है नाइन वन देगा तो वन देता है मीन्स टेन ही देता है ना टेन्स में है ये Tense में है तो टेन दे रहे हैं ना तो टेन प्लस एट एटीन एटीन माइनस नाइन नाइन अब यहाँ तो नाइन था वन गया है मीन्स वन मीन्स वन नहीं जाता है टेन ही जाता है टेंथ था ना तो यहाँ तो एट बच गया एट माइनस एट जीरो अब यहाँ क्या है एट है यहाँ नाइन है यहां फिर नहीं हो रहे है ये फिर हमें वन देगा नाइन से ले लेंगे हम नाइन पे एक्स्ट्रा है नाइन से वन ले लेंगे मीन्स वन नहीं आता है टेन ही आता है ओके okay? एटीन हो जाएगा एटीन माइनस नाइन नाइन यहाँ नाइन था एक इसने इसको दे दिया यहाँ कितने बच गए एट एट माइनस थ्री फाइव सिक्स माइनस फोर टू सेवन माइनस थ्री फोर ओके ऐसे हम कर देंगे डिफरेंस सबको हम ऐसे ही करेंगे सब इजी है बस हमें सबसे पहले क्या करना है प्लेस वैल्यूज पुट है उसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन नंबर को अलाइन करेंगे ओके okay? प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं सेम प्रोडक्ट भी नंबर लिया हमने एज इट इज जिससे भी मल्टीप्लाई करनी है उसके जस्ट नीचे लिखेंगे सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन ऊपर लिखते जाओ ताकि हम भूले नहीं प्लस फोर ओके okay? नहीं दिख है लोग बड़ा लिख देती हो प्लस फोर ओके सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस फोर थर्टी टू टू थर्टी टू का टू हमने लिख दिया थ्री गया ऊपर ऐसे है ना थर्टी टू टू तो हमने यहां लिख दिया एंड थ्री गया ये ऊपर नेक्स्ट वैल्यू पे ऐड होएगा ये ठीक है सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का फोर हमने यहां लिख दिया टू गया ऊपर नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर वहां पे ऐड होगा सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस टू फिफ्टी एट फिफ्टी एट का एट हमने लिख दिया फाइव गया ऊपर नेक्स्ट वैल्यू के सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री प्लस फाइव सिक्सटी एट यहां हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है ओके ऐसे प्रोडक्ट करनी है हमें अब डिवाइड कैसे करेंगे डिवाइड सेम बड़ा नंबर हमें अंदर लेना है जिससे डिवाइड करना छोटा नंबर जो है वो बाहर लेंगे जो ये नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम डिवाइजर डिवाइड करने वाला डिवाइजर जिसको डिवाइड किया जाता है जो नंबर हमारा अंदर आता है वो होता है डिविडेंड ओके okay, जो नंबर अंदर आ रहा है उसको बोला जाता है डिविडेंट जिससे डिवाइड करेंगे वो होता है डिवाइजर डिवाइड करने वाला डिवाइजर ओके okay? जिसको करेंगे डिविडेंट अब दो चीजें रह गई वो हम बाद में करते हैं ओके टू टू जा फोर जीरो नेक्स्ट वैल्यू को हम नीचे उतार लेंगे फाइव टू टू जा फाइव माइनस फोर वन नेक्स्ट वैल्यू को फिर हम नीचे लेके आएंगे सिक्स टू एट जा सिक्सटीन जीरो नेक्स्ट वैल्यू को फिर नीचे लाएंगे टू फोर जा एट एट माइनस एट जीरो नेक्स्ट क्या है जीरो जीरो आ गई बट ये तो हम नहीं चल रहे हैं ना तो ये वैल्यू जो ये वैल्यू आई है ये हम नहीं चल पा रहे हमें एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी तो इसके लिए हम यहां जीरो क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी खाली होगी इस पर हम नहीं चले हैं, तो यहां जीरो नेक्स्ट वैल्यू हमने ली नाइन टू फोर जा एट नाइन माइनस एट वन ओके अब ये क्या बच गया हमारा वन बच गया ना वन इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर ये होता है हमारा रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर कितना बचा वन और जो यहां वैल्यू आती है बेटा जो हमने डिवाइड किया है सारा डिवाइड करने के बाद जिस वैल्यू पे हम डिवाइड किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चन ओके डिवाइड करने वाला डिवाइजर होता है जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है ये तो हमारा खत्म फिर जो नीचे हमारा बच जाता है वो होता है रिमाइंडर एंड जो वैल्यू हमारी आती है वो होती है क्वेश्चन ओके okay? अब कुछ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से कुछ एक दो क्वेश्चन मैं करवा देती हूं बाकी आप खुद करेंगे ओके okay? एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ लार्ज बास्केट फाइव टू फाइव फाइव लीचीज बताई गई हैं तो उसने बोला है कि जो फाइव बास्केट होंगी उसमें कितनी लीचीज प्रेजेंट होगी सिंपल बात है कि अगर मैंने कहा ये मेरे पास एक ग्लास है एक बास्केट लगा लो ग्लास लगा लो कुछ लगा लो ठीक है इसमें मैंने कहा एक बोल है ठीक है तो ऐसी ऐसी फाइव बास्केट हैं बेटे मेरे पास या थ्री लगा लो चलो थ्री बास्केट हैं अगर लो टू है एक बास्केट में टू बॉल हैं तो थ्री बास्केट में कितनी होगी हम दो दो रख देते हैं सब में तो काउंट कर लेते हैं टू प्लस टू प्लस टू टू प्लस टू प्लस टू कितनी होगी टोटल सिक्स बॉल ओके या फिर डायरेक्ट करते हैं देखो टू बॉल्स है हमारे पास अब ये तो छोटे नंबर थे हमने इजिली से ऐड कर दिए लेकिन बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं जैसे मैंने बोला एक लार्ज बास्केट है जिसमें इतनी सारी लीचीज हैं ओके अगर फाइव बास्केट है तो आप इसको फाइव टाइम फाइव टाइम थोड़ी करते जाओगे ओके देखो अगर एक बास्केट है हमारे पास जिसमें टू लीची है टू लीची हैं ठीक है मैंने कहा अगर ऐसी ऐसी तीन बास्केट हो तो उसमें कितनी लीचीज होंगी टू थ्री जा सिक्स ऐसे ठीक है अगर यही बात थी एक लार्ज बास्केट है जिसमें इतनी सारी लीचीज हैं इतनी सारी लीचीज हमने लिख ली ठीक है अगर फाइव फाइव बास्केट में कितनी लीचीज आएंगी तो फाइव बास्केट से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारी लीची गई ठीक है ना इतनी लीची आप फाइव बास्केट में रखो आ जाएंगी ठीक है ना ऐसे अब मैंने बोला कि एक बॉक्स में एक क्वेश्चन है एफ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फाइव में एफ है जिसमें ये बोला गया है कि एक बॉक्स में सिक्स टॉयज आते हैं ठीक है बॉक्स कैन होल्ड सिक्स टॉयज तो हमारे टोटल टॉयज कितने सिक्स टू फोर जीरो तो वो कितने बॉक्सेस में आएंगे ओके बॉक्स कैन होल्ड सिक्स टॉयज एक बॉक्स सिर्फ छह टॉयज ही लेता है तो इतने सारे टॉयज कैसे डालेंगे बेटा हम सीधी से अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे बॉक्सेस आ जाएंगे कि कितने बॉक्सेस में इतने सारे टॉयज आएंगे ओके आंसर आपको ऐसे नहीं पता लगता है तो डायरेक्ट देखो ऐसे देखो सिक्स टॉयज आए हैं इतने सारे टॉयज हैं ये कैसे आएंगे अब यहां से आइडिया लगाते हैं देखो सिक्स 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 आपका क्या हो रहा है हर एक बॉक्स में सिक्स 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 टॉयज आ रहे हैं तो इतने को करने के लिए तो हमें ऐसे ऐसे बॉक्सेस तो हम नहीं देख पाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे सिक्स टॉयज को इससे डिवाइड करेंगे ओके okay? क्योंकि एक बॉक्स में आ रहे हैं ना छह तो तो इतने सारे किस्म कैसे आएंगे तो सिक्स टू फोर जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स तो हमारे ये आएंगे ठीक है डिवाइड कर देंगे तो वन जीरो फोर जीरो हमारे सिक्स टू फोर जीरो टॉयज आ जाएंगे अभी हमें ये चेक करना क्या है क्या आइए हमारा आंसर ठीक है तो एक बॉक्स में कितने थे टॉयज थे तो इतने सारे बॉक्स में इतने सारे क्या आ रहे हैं देखो छह से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको सिक्स जीरो जीरो सिक्स फोर ट्वेंटी फोर टू सिक्स वन जर सिक्स आ रहे हैं सेम वन जीरो फोर जीरो बॉक्सिस में हमारे सिक्स टू फोर जीरो टॉयज आ रहे हैं ओके अब एक और इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और डाला हुआ है उसने अ कार्टून कैन होल्ड एट टॉयज कार्टून भी वही बक्से ही होते हैं बॉक्सेस होते हैं तो उसने बोला एक कार्टून में आठ टॉयज आ रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ टॉयज बोला जितने हमने पहले लिए उतने ही सिक्स टू फोर जीरो टॉयज अरेन्ज्ड इन तो सेम एक में आठ आ रहे हैं तो इनको हम आठ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ कार्टून निकलाएंगे ये आ गया अगर इसको चेक करना है तो जो हमारे एक बॉक्स में है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एट जीरो जीरो एट एट जा सिक्सटी फोर एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्स सिक्सटी टू ठीक है ये आंसर भी ठीक है हमारा ओके okay? ऐसे हम इसको चेकआउट भी कर लेंगे अब क्वेश्चन सिक्स में आपको देखो दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है कि सुटेबल सिंबल लगाना है हमें जो आपको ग्रेटर लगता है स्मॉलर लगता है ग्रेटर ही लगाएंगे स्मॉलर अपने आप निकल आते हैं हमारा ओके डी करके देख लेते हैं देखो थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हमें एक नंबर गिवन है प्लस स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर देन गिवन बॉक्स एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी डिवाइडेड बाई फाइव ओके इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं देखो सेम ये नंबर तो ऐसे ही है नंबरिंग में इसको स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा थाउजेंड वन टू थ्री फोर क्योंकि थाउजेंड से पहले जो नंबर होता है ट्रिपल नाइन होते हैं नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन जो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट होता है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट के बाद जस्ट क्या स्टार्ट होता है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर ये आ गया बॉक्स ये हमारे नंबरिंग जो हमें ऑलरेडी गिवन है कुछ नहीं करना है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर जो ये दे रखा था इसको हमने खोला है कि इसको कैसे लिखते हैं ऐसे ये हमने ऐड किया ये नंबर आया ये हमने डिवाइड किया ये नंबर आया दोनों नंबर सेम है तो हमारा साइन कौन से आएगा इक्वल का ओके okay. अब अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी है उनको हम ऐड कैसे करेंगे कुछ नहीं करना है सिंपल सबसे पहले जो मैंने बताया प्लेस वैल्यूज ही रखेंगे हम वन स्टैंड हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन ओके ये हमने किस में रखी वन स्टैंड हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन मिलियन टेन मिलियन ये किसमें होती है हमारी इंटरनेशनल ओके प्लेस वैल्यूज हम सबसे पहले रखेंगे उसके बाद जो हमें नंबर गिवन है नंबर को हम वन बाय वन पुट करेंगे ओके okay? फर्स्टली हमने ये नंबर पुट किया है पुट करते करते हम टूवर्ड लेफ्ट मूव करेंगे ओके फाइव टू वन सेवन ये नंबर हमने ऐसे पुट कर दिया बेटा ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू जो नंबर हम एड कर रहे हैं उनको बोलते हैं एडेंट्स ये दोनों हम एक दूसरे के साथ एड करेंगे ये नंबर हमारे क्या है एडेंट्स जो फाइनली हमारा आता है वो हो जाता है हमारा सम सेम वैसे ही करना है सिक्स प्लस फाइव इलेवन वन हमारा ऊपर एड हो गया फाइव प्लस टू सेवन प्लस वन एट फोर प्लस वन फाइव सेवन प्लस थ्री टेन टेन की जीरो आ गई वन ऊपर ऐड हो गया सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस थ्री सेवन फोर प्लस टू सिक्स ओके ये हमारा सम आ गया ये हमें याद रखना है एडेंट्स हम किन को बोलते हैं जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं ओके वो नंबर हमारे होते हैं एडेंट्स ओके अब इस नंबर को हम कैसे बोलेंगे देखो मिलियन टेन मिलियन में है तो सिक्सटी सेवन मिलियन मिलियन में है सिक्सटी सेवन मिलियन फोर हंड्रेड नाइन्टी ये कौन से पीरियड में है फोर हंड्रेड नाइन्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी वन इसको हम रीड करेंगे ऐसे ठीक है जैसे मैंने अभी बोला सिक्सटी सेवन मिलियन फोर हंड्रेड नाइन्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी वन ओके अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, हैं थ्री प्रॉपर्टीज होती है हमारी एडिशन की जैसे किसी भी नंबर को फर्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो बोलते हैं आइडेंटिटी मीन्स सेम ही रहता है कोई भी नंबर जैसे हमें ये नंबर है गिवन थ्री फोर जीरो फाइव अगर इस नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो नंबर सेम ही रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ा है उसमें तो बेटा जीरो ऐड कर रहे हैं एडिशन में जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओके सेकंड होती है ऑर्डर प्रॉपर्टी मींस अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं ऑर्डर से ही है ना ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो एडिशन में जो सम आएगा हमारा उस पर क्या फर्क पड़ेगा देखो फोर थ्री टू सिक्स थ्री फाइव की नंबर लिया है मैंने अगर इनको हम ऑर्डर इनका ऑर्डर चेंज कर दें मीन्स इसको पहले लिख दें इसको बाद में जैसे मैंने ये लिख दिया ठीक है इसका सम किया वन जीरो सिक्स सेवन इसका सम किया वन जीरो सिक्स सेवन कोई फर्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा ओके तो ये भी क्या होगा हमारी एडिशन प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी कि अगर हम हमारे नंबर्स जो गिवन है उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं मींस इसको पीछे इसको आगे लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा जी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके सेम रहेंगे फिर आते ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी मींस जो हमें नंबर गिवन है उनके हम जो ग्रुप बना रखे हैं ग्रुप को अगर चेंज कर देते हैं ओके okay, पहले हमने ग्रुप बनाया फोर थ्री टू प्लस सिक्स थ्री फाइव प्लस वन सिक्स टू फोर थ्री टू और सिक्स थ्री फाइव का एक ग्रुप बना दिया हमने ठीक है अब इसको हम चेंज करते मीन्स फोर थ्री टू को तो हमने बाहर ले लिया अब हमने ग्रुपिंग बना दी सिक्स थ्री फाइव और वन सिक्स टू को इनको ब्रैकेट में ले लिया लेकिन जब हम पूरे का सम कर रहे हैं तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है मीन्स कोई फर्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में आप चाहे ग्रुपिंग करो चाहे उनका ऑर्डर चेंज कर लो चाहे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो कहीं भी सम में कोई फर्क नहीं पड़ता सम ऑलवेज बिकम सेम ओके okay? ये है बेटा हमारे एडिशन की प्रॉपर्टीज इसी बेस पे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे आपको एक्सरसाइज 2.1 करनी है होमवर्क हमारा ये रहेगा 2.1 एक्सरसाइज आपको करनी है और जो क्विक रिकैप आपको दिया हुआ है क्विक रिकैप में जितने भी क्वेश्चन है और सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही दे रखा है क्विक रिकेप वो जो क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज 2.1 ये आपका होमवर्क रहेगा ओके okay? अगर आपको कहीं भी कुछ भी किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज डालिए मैं आंसर दूंगी ओके सो थैंक यू सो मच